नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का क्वेश्चन ये है कि किसी ने क्वेश्चन पूछा है, व्हाट हैपेंस इफ गुणास डोंट मैच, कि अगर हमारे जो गुण है वो मैच नहीं करते तो क्या होगा। ये अक्सर डर सताया जाता है हमारे को कि गुण नहीं हमारे मैच कर रहे, अब हम क्या करें। हमारे को एक डाउट आता है, कई बार आप सोचते हैं कि क्यों मैंने चेक करवाए, अब चेक करने के बाद मेरे मन में डाउट आ गया। होता ही अक्सर, नहीं चेक कराते तो ज्यादा अच्छा था। देखिए, इस बात का आपको जवाब देना चाहूंगा मैं। सबसे पहले एक बात समझने की जरूरत है कि गुण अगर मैच नहीं, गुण मैच करना किसको सही मानते हैं। सबसे पहले हम ऑनलाइन चेक करते हैं, गुण मैच करते हैं, लड़का लड़की की डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, बर्थ टाइम डालते हैं, सब कुछ। कई बार बर्थ टाइम नहीं होता, हम डेट डाल देते हैं, और ये ऑनलाइन सॉफ्टवेयर होता है, डेट के हिसाब से भी निकाल देता है। आपके पास डेट नहीं होता, आप नाम डाल देते हैं तो वो उसके हिसाब से भी निकाल देता है। और उसमें कैटेगरी कैसे कंसिडर करता है कि अगर आपके बिलो 18 गुण है, मतलब 18 पॉइंट से कम है, तो ये पुअर मैच है, नो मैच है या मिसमैच है। 18 से 24 या 26 तक ये एवरेज मैच देता है, और 24, 26 से 30, 32 तक ये देता है गुड मैच, और 30, 32 से लेके 36 तक देता है एक्सीलेंट मैच। देखिए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले कि मैच करने वाला कौन है ये समझिए। मैच करने वाला एक कंप्यूटर है, राइट। और ये कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर है, ये डिजाइन है, ये पुराने मेथड से, कि जो मेथड सदियों से चलता आ रहा है और बहुत पुराना मेथड है जिसका बेस बहुत लिमिटेड है। ऑनलाइन पोर्टल्स जो बने हुए हैं, ये सिर्फ एक तरह से पैसा कमाने का तरीका, वैसे ही सर्विस ज्यादातर फ्री देते हैं, तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ पैसा कमाने का तरीका है, मगर ये है कि वेबसाइट पे ट्रैफिक खींचने का तरीका है। तो ये राशियों से और नक्षत्रों से मिलाते हैं, जो कि एक्यूरेट नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ मून के ऊपर निकालते हैं, चंद्रमा की नक्षत्र के ऊपर निकालते हैं, बाकी 8 के 8 ग्रहों को देखते ही नहीं है। वैसे तो बाहर आप वेस्टर्न में जाएंगे तो 12 ग्रह देखते हैं, मगर इंडिया में 9 ग्रह देखते हैं। उन 9 ग्रह के अंदर से ये सिर्फ चंद्रमा को देखते हैं, चंद्रमा की चाल के ऊपर सब चीजें डिपेंड है, बाकी प्लैनेट्स के ऊपर तो इनको कोई मतलब है नहीं। तो ये जो मेथड है, ये इनएक्यूरेट नहीं कहूंगा मैं, इनकम्प्लीट है। ये बिल्कुल वैसे हो गया कि जैसे आप कहें कि अमेरिकन बादाम ऐसा होता है और इंडियन बादाम ऐसा होता है, कि अमेरिकन बादाम जो होगा वो उसके अंदर फाइबर नहीं होता, या इंडियन बादाम है उसके अंदर प्रोटीन ज्यादा होता है। ऐसे नहीं हो सकता। एक राशि वाले लोग ऐसे होते हैं, एक राशि वाले लोग ऐसे होते हैं। उस राशियों के अंदर भी देखा जाता है बारीकी से, जैसे अमेरिकन बादाम के अंदर कितनी क्वालिटीज होंगी, अमेरिका में कितनी स्टेट्स हैं, हर स्टेट की अलग क्रॉप होती है, हर क्रॉप का डिफरेंशिएट होता है, ये हमेशा याद रखना। तो उस हिसाब से हर राशि के अंदर देखा जाता है कि कौन से नक्षत्र के अंदर है, किस पद में है, किस चरण में है, वो सारी चीजें। और ये कंप्यूटर नहीं कैलकुलेट कर सकता, ये एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर कैलकुलेट कर सकता है, जो बता सके कि आपकी कुंडली में क्या एक्चुअल में प्रॉब्लम है। मेन इसकी दिक्कत क्या है कि मेन इसमें आप जब किसी को जानते हैं तो इतना मैटर नहीं करता, तो इसमें इतनी चिंता मत कीजिए। अगर आप किसी को अच्छे तरीके से जानते हैं, कम से कम ऑनलाइन पोर्टल में तो मत कीजिए। हाँ, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास पूछ सकते हैं, या फिर आपको जब डाउट, मैंने डाउट के ऊपर पहले भी बताया था, मैं एक केस बताता हूँ आपको, आपको शायद थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। अरेंज मैरिज के केस में आप हमेशा डाउट में रहते हैं कि क्या ये सही होगा, नहीं होगा, हमारा फ्यूचर कैसा होगा। तो अरेंज मैरिज के केसेस के अंदर आपको कुंडली अगर अच्छा ज्योतिषी है, अच्छा एस्ट्रोलॉजर है, तो आपको क्लियर तरीके से बता देगा कि सामने वाला इंसान किस तरह का है, आपको क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या नहीं आ सकती हैं। इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेगी, और अगर वो अच्छी तरह से कैलकुलेट कर सकेगा तो आपको बता सकेगा। एक एग्जांपल बताता हूँ, मेरे पास एक केस आया था, पेरेंट्स आए थे और उनके साथ उनकी डॉटर भी आई थी। तो वो केस ये था कि उन्होंने एंगेजमेंट कर ली थी और एंगेजमेंट में काफी अच्छा अमाउंट लगा दिया था। उनको डाउट हो रहा था क्योंकि लड़की थी, लड़की ने एक दो डेट्स मारी शादी के बाद, जो डेट वो सॉरी एंगेजमेंट के बाद जो पीरियड होता है उसमें डेट्स होते हैं, उसको कुछ ना कुछ डाउट हुआ। अब डाउट क्लियर कैसे करें, कुछ चीजें नहीं पूछ सकते आप, क्योंकि पूछेंगे अरेंज मैरिज के अंदर तो वो बवाल क्रिएट हो जाएगा। लड़की अगर पूछ ले तो बहुत बड़ी गलत चीज़ है। लड़की अगर आपका मेडिकल इशू के बारे में पूछ ले या आपके फाइनेंशियल इश्यूज के बारे में कुछ पूछ ले, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी और एक वजह मिल जाती है रिश्ता टूटने का। अब वो डाउट में थे, तो चांस की बात है वो आए तो उन्होंने क्लियर इन्फॉर्मेशन पूछी। तो मेरा जो सामने से जवाब ये था, मैं कह रहा था सच जानना है या आप ये जानना चाहते हो कि मतलब सच बताऊं, या फिर आप चाहते हो कि रिश्ता होगा या नहीं होगा, जैसे भी। तो लड़की ने बोला, क्योंकि मैंने कहा सच कड़वा भी हो सकता है, तो हमने कहा नहीं, हमने सच जानना है। ठीक है, सच में कुछ प्रॉब्लम्स थी रिश्ते के अंदर, तो मैंने उनको क्लियर बता दी, क्योंकि सच जानने के बाद रिश्ता नहीं होना था, ये कन्फर्म था।
तो वो रिश्ता उन्होंने तोड़ा, और वो बाद में उनको वेरिफिकेशन करवाई तो उनको लगा कि सही में वो ठीक नहीं था रिश्ता। फिर उसकी अच्छी जगह शादी होगी तो सब ठीक हो गया। तो कहने का मतलब ये है, बॉटम लाइन यही है कि अगर आप किसी अननोन पर्सन से शादी कर रहे हैं और उसके बाद कुंडली मैच में कोई प्रॉब्लम आ रही है और आपको डाउट है, तो आप उसको आगे जा सकते हैं, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से पूछ सकते हैं, क्लियर इन्फॉर्मेशन ये ले सकते हैं कि जब आपके डाउट हो, डाउट क्लियर करने के लिए। अगर आप जानते हैं सब कुछ ठीक है, उसका नेचर जानते हैं, कभी वो देवगण कभी वो राक्षस गण बना रहे हैं, तो उसमें इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। पहले के टाइम पे होता था कि आदमी देवगण का होना चाहिए, आदमी का जो पुरुष का जो गण होता है वो ऊपर होना चाहिए और स्त्री के गण से हमेशा ऊपर होना चाहिए। अगर उल्टा हो जाए, जैसे देव देव ब्राह्मण राक्षस शूद्र ऐसे गण होते हैं ना, तो उसके अंदर अगर आदमी का पुरुष का अच्छा गण है तो चलेगा, स्त्री का नीचे होना चाहिए। अगर स्त्री का ऊपर हो गया गण तो वो मिसमैच को तकरीबन नेगेटिव मान जाते हैं। तो वो पुरानी चीजें चल रही हैं, इसमें इतना सोचने की बात नहीं है, क्योंकि शादी के बाद तो चाहे पुरुष देवगण का हो या कोई भी गण का हो, वो रहता शूद्र गण का ही है और जो वाइफ होती है वो ऊपर ही रहती है। इसलिए इतना सोचने वाली बात नहीं है, प्यार का रिश्ता होता है, प्यार से निभाएं, डाउट हो तो जरूर क्लियर करें। मेरा कहने का, आपके सवाल का जवाब ये था कि मैं कहूंगा डाउट जब भी हो हमेशा क्लियर करें, क्योंकि डाउट नहीं क्लियर करते हैं तो हमारे को एक मन में मलाल रह जाता है, यार काश मैंने डाउट क्लियर कर लिया होता। तो अपने डाउट क्लियर करने के लिए जाइए, बाकी सिर्फ इस पे डिपेंड हो के अगर आप जानते हैं सब कुछ और सब आपको पता है कि सामने वाला मेरे साथ कैसा चल रहा है पिछले कई सालों से, साल से 2 साल से, हाँ अगर आप 1-2 महीने में जानते हैं और उसके बाद गुण में ऐसे आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपको आगे जाके उसको और वेरीफाई करना चाहिए, क्लियर करना चाहिए, चाहे कैसे भी कीजिए। जरूरी नहीं है एस्ट्रोलॉजर के पास जाके अपनी वेरिफिकेशन करके, आपका माइंड स्ट्रांग है, जो जो आप डाउट सोच रहे हैं, जो जो आप सामने वाले के बारे में डाउट है आपको, क्लियर कीजिए। इस सवाल का यही जवाब था। जल्दी मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आपका समय शुभ।